हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सुबह उठकर 6 बजे मैं लग जाती हूँ अपने घर के सारे कामों में, और घर के काम तो काफ़ी सारे होते ही हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आज है बच्चों का छुट्टी वाला दिन। और मैंने ये सूट सिला था, आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने सूट और ब्लाउजेस खुद ही सिलती हूँ। क्योंकि कपड़े जितने हम टेलर को पैसे देंगे कपड़ों के, उससे बेस्ट है कि हाँ कि कुछ बचत की जाए। और तो इसीलिए मैंने सिलाई सीखी थी, और सिलाई भी मैंने शादी के बाद सीखी थी फ्रेंड्स। तो लेकिन उसका बेनिफिट मैं पूरा पूरा उठाती हूँ। तो सारे काम तो मैं कर ही रही थी फ्रेंड्स, फिर सुबह नाश्ते का टाइम था और काफी काम मैं निपटा चुकी थी। तो बच्चों का नाश्ते का टाइम होता है, और तो मेरे यहाँ पर जो होता है दोपहर का खाना नहीं बनता है, तो मैं बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ते में नाश्ता खाना मेरा सेम ही होता है, तो 11-12 बजे लोग नाश्ता करते हैं, सुबह ओनली चाय ले लेते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, और उसके साथ बना के दूंगी बच्चों को पूरियाँ या परांठे। तो वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। तो इसके लिए मैं ले लेती हूँ कुकर, और इसके अंदर डालती हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और इसमें डालूंगी मैं जीरा और लाल वाली साबुत मिर्च। इससे बहुत अच्छी बनती है सब्जी, क्योंकि इनको खाना बहुत पसंद है मिर्च, साबुत मिर्च जो होती है भुनी हुई, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। मैं तड़के में डाल देती हूँ, और फिर मैं टमाटर डाल दूंगी, और इसमें हल्दी मिर्च नमक, और डालूंगी फ्रेंड्स मैं इसके अंदर मैगी मसाला, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और मैं आलू मेश करके मैंने छील छाल के रख दिए थे। तो सब्जी फ्रेंड्स मैंने छौंक दी है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं आज थोड़ा सा अच्छे से तैयार हुई हूँ। तो हर लेडीज को काम के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि ग्रेवी रेडी हो चुकी है, और ग्रेवी में बस मुझे आलू डालने हैं। और आलू डालने के बाद में मैं थोड़ा पानी डालकर इनको पकने के लिए रख दूंगी अच्छी तरह से, जिससे बहुत अच्छी से सब्जी रेडी हो जाए। और तो मेरा बेटा आ गया था किचन में, वो अपनी बातें बताता रहता है, बस इन लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ मम्मी काम कर रही है, तो मम्मी के साथ साथ हमारी छुट्टी है, तो बस हम देखने के लिए आ जाए कि मम्मी हमारे लिए क्या अच्छा सा खाना बनाने वाली है, ये नाश्ता बनाने वाली है। तो ये लोग बीच बीच में आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी एक आदत है कि मैं हैंड टू हैंड बर्तन क्लीन करते हुए चलती हूँ, जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं तो मैं हाथों हाथ साफ करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेड लगी हुई नहीं है, मैं सारे काम खुद करती हूँ। तो बर्तन हाथों हाथ क्लीन करती रहती हूँ, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि मुझे बाद में बर्तन क्लीन करने के लिए बहुत कम होते हैं, सिर्फ खाए हुए बर्तन रहते हैं, या जिसमें सब्जी होती है तो वो बर्तन रहते हैं। तो इससे मेरा काम काफी इजी हो जाता है। ये तरीका मैं तो बोलूंगी सबको अपनाना चाहिए, बर्तन इकट्ठे करके ना रखें, और बर्तन हैंड टू हैंड थोड़े थोड़े बर्तन बार बार धोते रहें बीच बीच में, तो उससे हमें काफी हेल्प मिल जाती है बर्तन क्लीन करने में, जो ज्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। तो अब मैं जल्दी से फ्रेंड्स आटा निकाल कर आटा लगा लूंगी। तो मैं चोकर यूज करती हूँ आटे के अंदर, इसलिए मैं आटे को छानती नहीं हूँ, जिससे आटा छानने के बाद में क्या होता है ज्यादा बारीक हो जाता है। चोकर युक्त आटा अगर हम खाते हैं, रोटियां बनाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी बनती हैं और हेल्दी भी रहती हैं हमारे लिए, तो इसलिए मैं आटे को बिना छाने ही बनाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि आटे को छानती नहीं है, चोकर को निकालती नहीं है, लेकिन चोकर ना निकालना बेस्ट रहता है। उससे क्या होता है कि हाँ, आटा जो है आटे के अंदर चोकर अगर होता है तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, और काफी लोग तो डाइट के लिए ओनली चोकर की रोटी खाते हैं, तो इसलिए मैं चोकर नहीं निकालती हूँ। इस बात के लिए आप लोग मुझे कुछ ना कहें, और जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो चोकर युक्त रोटी जरूर खाएं, और स्पेशली चोकर जैसे निकाल लेते हैं जिनके यहाँ पे चोकर निकलता है, वो लोग चोकर को निकाल लें और उसके अंदर आटे की मात्रा 1 या 2 चम्मच लें, और 2 रोटियां बनाने के लिए 2 चम्मच आटा लेंगे उनका, 2 चम्मच चोकर लें, और उससे बहुत डाइट वाली 2 रोटियां आपकी बनके तैयार हो जाएंगी। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट टिप्स है ये, तो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें जरूर। तो फ्रेंड, बच्चों ने फरमाइश करी थी आलू टमाटर की सब्जी के साथ में, मम्मी हमें पराठे बनाकर दो, तो इसलिए मैं इन लोगों के लिए बना रही हूँ पराठे। पराठे बनाते बनाते फ्रेंड नाश्ता तो रेडी हो ही रहा था, अब इन लोगों के लिए मुझे बनानी थी चाय भी, क्योंकि नाश्ते का टाइम है, चाय भी लेंगे, देवू को भी मुझे चाय देनी है, तो हम सब लोग नाश्ता कर लेंगे। लेकिन एक ऑर्डर और लग चुका है इन लोगों को, हमें मुझे लेकर जाना है स्कूटी उठाने के लिए, क्योंकि हमने स्कूटी दी थी सर्विस करने के लिए, और सर्विस तो उसकी अभी हुई नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी हमारे पास में है, और इलेक्ट्रिक स्कूटी तो फ्रेंड्स मैं तो सजेस्ट करूंगी कि ना लें, क्योंकि हम तो बहुत ही इससे नुकसान उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी चलती तो बहुत अच्छी है, पैसे की भी बचत है, बट देखा जाए तो जब हम इसे क्लेम के लिए या फिर सही होने के लिए भेजते हैं, तो इसके अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसको आने में बहुत टाइम लग जाता है, हमें 1 महीने का वेट करना पड़ा है, तो हमारे लिए तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। और स्कूटी उठाने के लिए आज मैं जाऊंगी, तो भैया से काफ़ी कंप्लेन मैं करने वाली हूँ,
तो देवू के लिए नाश्ता रेडी हो चुका है, मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ चाय और पराठे और सब्जी लेकर जा चुकी थी मैं, थाली लगा दी थी उनके लिए। तो मैं बच्चों से पूछती हूँ कि नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि मेरा छुटकू नाश्ता कर रहा है उनके साथ में, तो दोनों बाप बेटे बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। तो मैंने अक्षत से पूछा, अक्षत खाना कैसा बनाया है, तो वो हमेशा तारीफ़ करता है और ये बच्चा मेरा इतना अच्छा है, इसके लिए मैं जो भी बनाती हूँ वो खा लेता है। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं स्कूटी लेने जाने के लिए, अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। लेकिन बहुत ही निराशा का हमें सामना करना पड़ा, स्कूटी अभी भी सही नहीं हुई थी। तो रास्ते में जाते जाते स्कूटी तो सही नहीं मिली हुई थी मतलब, तो हम लोग आ गए वहाँ से खाली हाथ। फिर हमें नर्सरी दिखी, तो नर्सरी में जाकर हमने सोचा कि चलो हम थोड़े से पौधे ले लेते हैं, क्योंकि देवू को हमारे पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। अब कुछ पौधे जो ख़राब हो गए थे, जो गमले खाली हैं, उसमें हम नए प्लांट्स लगा देंगे। तो हम लोग यहाँ से एक दो पौधे देखेंगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे पौधे थे यहाँ पर, तो हमने यहाँ से दो पौधे परचेज़ भी करे। और काफ़ी देखने के बाद मैं चाह रही थी छाँव वाले पौधे लेना, लेकिन छाँव वाले पौधे मुझे ज़्यादा अच्छे इस वही नर्सरी में नहीं मिले। तो फिर हम लोग ऊपर छत पे ही लगाने के लिए कुछ पौधे लेकर आए हैं, मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि कौन से पौधे मैं लेकर आई हूँ। तो हमने यहाँ पर देखे बहुत प्यारे प्यारे पौधे। तो मेरे बेटे को एक पौधा दिखा, इसे हमारी भाषा में तो बोलते हैं छुई मुई का पौधा, इसको टच करो और ये एकदम से मुरझा जाता है, और इंग्लिश भाषा में इसको बोलेंगे कि टच मी नॉट, कि ये पौधे को है कि इसका मतलब है कि मुझे मत छुओ। तो ये पौधा है छुई मुई का। तो हमने यहाँ पर पूरी नर्सरी में काफ़ी प्यारे प्यारे पौधे देखे, और यहाँ जितने प्लांट्स थे काफ़ी अच्छे अच्छे थे। तो सारे भैया हमें दिखा रहे थे, भैया इन्होंने काफ़ी सारे पौधे दिखाए, अशोक ट्री भी चाहिए था हमें, तो अशोक का पौधा हम लेकर आए हैं। और एक ये पौधा है, इसका मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या नाम है इसका। तो हमने ये वाले दोनों पौधे परचेस करे यहाँ से, और फिर हम बाइक पे बैठ के लेकर आ जाते हैं और अपने घर पर। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे से पौधे लग रहे हैं ये, इनको मैं छत पर रखने वाली हूँ। बाहर निकलने के बाद फ्रेंड्स लग रहा था गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने आकर बनाई कोल्ड कॉफ़ी। और कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए आप लोग भी इस तरह से मेरे स्टाइल से कोल्ड कॉफ़ी ज़रूर बनाकर देखना। इसके लिए मैं एक जार के अंदर मिक्सर जार में दूध ले लूँगी 2 से 3 कप के करीब, क्योंकि 4-5 कप मुझे कॉफ़ी बनाने वाली हूँ मैं ये। और इसके अंदर मैं डालूँगी 1 स्पून बड़ा वाला भर के कॉफ़ी, और डालेंगे इसके अंदर, अगर आप 4 या 5 कप कॉफ़ी बना रहे हैं तो इसके अंदर आप डाल देंगे 3 चम्मच शुगर। तो कॉफ़ी मैंने डाल दिया इसके अंदर, और 3 चम्मच शुगर डालूंगी मैं इसके अंदर। और आइस ले लेंगे आप, आइस जितनी ज़्यादा आइस होगी इसके अंदर उतनी ज़्यादा पफी कॉफ़ी बनने वाली है हमारी, क्योंकि आइस जो होती है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी मिक्सर जार के अंदर, तो काफ़ी पफीनेस उसके अंदर आ जाएगी कॉफ़ी में। और झाग वाली कॉफ़ी जैसे मार्केट में मिलती है, ये कैफ़े में मिलती है, वैसी कॉफ़ी आप घर में ही बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना, जार के अंदर आप कॉफ़ी, दूध, शुगर और जो आइस डालने वाले हैं उसके अंदर जार थोड़ा खाली रहना चाहिए, क्योंकि जब इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स होगी कॉफ़ी, हम मिक्स करेंगे मिक्सर जार के अंदर, तो वो निकल के भाग सकती है या निकलेगी बाहर। तो इसलिए इस बात का स्पेशली आप लोग ध्यान रखें ज़रूर कि जार थोड़ा खाली रहना चाहिए, और इसे कम से कम अच्छी तरह से 2 मिनट या 3 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें। जितनी ज़्यादा ये ब्लेंड होगी उतनी ज़्यादा पफ़ी बनेगी, और बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहें आप इसको कि कहीं निकल तो नहीं रही है, या मतलब जार के अंदर पफ़ी कॉफ़ी बन रही है या नहीं बन रही है। तो बीच बीच में एक दो बार चेक ज़रूर कर लें, और 2 से 3 बार इसको हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, बीच बीच में हमें रुक कर इसे देखते रहना है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा कॉफ़ी बनाने का, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो हमारी कॉफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसे 4 से 5 ग्लासेस में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और हम लोग कॉफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी हमारी बनाई हुई कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाई है, और आप लोग भी बनाएंगे तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनने वाली है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका प्यार मेरे चैनल को आगे बढ़ाएगा, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी हमारे साथ कॉफ़ी इन्जॉय करें, क्योंकि मैं, मेरा अक्षत और परी, नैतिक और मेरे हस्बैंड, हम 5 जने कॉफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं, और मेरे बताए हुए तरीके से एक बार कॉफ़ी ज़रूर बनाए। तो सभी लोग कर रहे हैं कॉफ़ी का वेट, और कॉफ़ी लेकर मैं जल्दी से जा रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ बैठ कर इन्जॉय करेंगे हम लोग कॉफ़ी। तो आप लोग भी हमारे साथ कॉफ़ी इन्जॉय कर लीजिए, आइए। यस, तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।